सपनों के शहर से मैं आ गया हूँ शहजाद एक नया व्लॉग लेके। और आज के जो व्लॉग में बात करेंगे हम दुबई के पार्किंग रूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो पार्किंग जो रूल हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। जो भी लोग अगर सोचते हैं दुबई में सेटल डाउन होने का, दुबई में जॉब करने का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आज आपको दिखाऊँगा लाइव यहाँ पर जो यहाँ की जो दुबई की पार्किंग है उसके सारे रूल्स। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा पार्किंग अरेंजमेंट लाइव शेख जायद रोड पे लेके चलता हूँ आपको। मुझे जाना है आपको दिखाने के लिए दूसरी साइड, तो मैं उसके लिए ये फॉलो करूँगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ऐसा नहीं है मैं छलांग मार के दूसरी साइड चला जाऊँगा बीच रोड से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर होता। यू शुड फॉलो दिस ज़ेब्रा क्रॉसिंग रूल टू पास द रोड। चलो चलते हैं दूसरी साइड और आपको चल के दिखाता हूँ वहाँ का। तो आप ये देख सकते हैं मेरे सामने चल रहा है ये पूरा शेख जायद रोड और मैं हूँ डाउनटाउन एरिया में। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पार्किंग का क्या रूल है। आप ये देख सकते हैं महंगी से महंगी गाड़ी यहाँ पर इस रोड के साइड में पार्किंग में खड़ी है। ये सारी मार्केट है और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यहाँ पर आप और नेशनलिटी या किसी भी नेशनलिटी के हों, किसी के लिए कोई भी छूट नहीं है। आपको अपनी गाड़ी प्रॉपरली पार्क करनी है पूरे रूल्स के साथ। एज लाइक इंडिया या किसी भी मुल्क में जैसे हम रोड के साइड पर गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मर्सिडीज़ खड़ी है। आप रोड के साइड में गाड़ी आए, आपको इस वाली लेन में गाड़ी लगानी होती है पूरी। जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट में दिखाना होता है कि आपको गाड़ी पार्क करना आती है या नहीं आती है। जब आप दुबई में अपनी गाड़ी इस लाइन में पार्क कर देंगे तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप ये है कि ये सामने लगा है हर जगह पर आपको ये मिलेगा पार्किंग कोड। जब आप अपनी गाड़ी इस लेन में खड़ी कर देंगे देन जो इसके ऊपर जो कोड लिखा है 336A, ये आपको मैसेज के थ्रू RTA को भेजना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा है 336A, ये आपको मैसेज के थ्रू RTA को भेजना होता है। उसके बाद आप जब उसको ये भेज देंगे तो उसके बाद आपकी जो पार्किंग आर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाएगी। अगर इन केस आप अपनी गाड़ी इस लेन में पार्क करके चले जाते हैं रोड के किनार पे और आपने अगर मैसेज नहीं किया, अपने पार्किंग आर्स ऑन नहीं किए, तो आपको जो है आपके एमिरेट्स ID पे आपको या आपके पासपोर्ट पर फाइन आ जाएगा अगर किसी ने चेक कर लिया तो। ये जो मेन चीज़ है कि अगर आप दुबई में कहीं पे भी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको प्रॉपरली गाड़ी को पार्क करना है। आप दुबई में कोई से भी एरिया हो, UAE के कोई से में भी एरिया में होंगे, आपको हर जगह पे रोड की साइड पे पार्किंग मिल जाएगी विद बोर्ड। आप कहीं पे भी एज़ यूजुअल फ्री में गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, दैट्स अ मेन थिंग। और आपको इन गाड़ी को पार्क करने के लिए आपको स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, हाउ टू कार योर पार्क इन द पर्टिकुलर एरिया। सो आपको मैंने ये दिखा दिया, ये पूरा सारा मार्केट है, ये सारा रूल है, और आप यहाँ का RTA का ऐप भी यूज़ कर सकते हैं पार्किंग यूज़ करने के लिए। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं करे तो आपको 2200 से लेके 22000 तक का फ़ाइन आ सकता है इंडियन रुपीज़ में, और वो आपको एनी हाउ पे करना होगा बिफोर लीविंग दिस कंट्री। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारे रूल अपने जहन में रखने हैं, और गाइज यू हैव टू फॉलो दिस रूल एनी हाउ। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फाइन्स हैं यहाँ पे, इतना तो हमारे यहाँ पे चला है। छोटा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और आप डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी दुबई में जॉब या सेटल होने के लिए आएंगे, डैट्स अ इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। सो हाउ यू कैन पार्क योर कार, हाउ यू कैन पार्क योर व्हीकल्स। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय।